नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ धर्म अधर्म मेरा खास कार्यक्रम। स्वागत करता हूं आपका धर्म अधर्म में। बातचीत करेंगे आज धर्म अधर्म के उस खास विषय की जो इस बीच हर एक की नजरों में है, लेकिन बचता हर कोई नजर आ रहा है इस पूरे विषय से। जी हाँ, बांग्लादेश की आज हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में तख्ता पलट के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जो ये बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को यहां पर जो है हाशिए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। तो वहीं राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय प्रभु को लेकर इस्कॉन ने बयान जारी कर उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि चिन्मय प्रभु का इस्कॉन संगठन से कोई संबंध नहीं है। इस पर इस्कॉन ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि चिन्मय प्रभु संगठन के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन वे उनके अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करते। संगठन ने खुद को चिन्मय प्रभु से दूर नहीं किया है और ना ही ऐसा करेंगे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में तनाव का माहौल है। उनकी जमानत याचिका रद्द होने को लेकर कई जगहों पर जो है हिंसा भी हुई है। बांग्लादेश में इस्कॉन मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जो है बातचीत भी हुई है। तो विदेश मंत्री ने उन्हें वहां के हालात की जानकारी दी। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कहा था कि वह इस मामले पर केंद्र के साथ है। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्णदास प्रभु का बयान जो है यहां पर बचाव जो है वो करने वाले वकील यहां पर रामेन राय पर क्रूरता पूर्वक हमला किया गया है। वे हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। दास ने कहा है कि वकील राय की एकमात्र गलती अदालत में चिन्मय प्रभु का बचाव करना। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने चिन्मय कृष्णदास सहित इस्कॉन के यहां 17 सहयोगियों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश भी इस बीच दे दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है यहां पर कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के हक की आवाज उठाना गुनाह है? हिंदुओं को सरेआम काटने की धमकी दी जा रही है, दौड़ाया पीटा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से हिंदू खतरे में माना जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब फिलहाल ऐसे में देखने वाली बात है कि इस पर आवाज कौन उठाता है, सामने कौन आता है। लेकिन सीधी सी बात है, एक देश जहां हालिया दिनों में जो है तख्ता पलट हुआ हो, वहां एक अल्पसंख्यक वर्ग पर इस तरह का हमला दर्शाता है कि राजनीति आज अपने किस चरम सीमा पर पहुंच गई है, जो कि सिर्फ मानवता को शर्मसार करते हुए नजर आ रही है और भूल गए हैं इस बीच कि यहां कौन कौन जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहां राजनीति सर्वोपरि हो गई है और इस राजनीति के तहत मासूमों को मारा जा रहा है, मासूमों का हनन किया जा रहा है, मासूमों के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को भी यहां हनन किया जा रहा है। और ऐसे में अब बहस छिड़ी है कि इस पर सामने कौन आएगा। और ऐसे में आज हम चर्चा भी करेंगे इसी विषय पर, विषय करने के लिए, डिबेट करने के लिए हमारे साथ कुछ ही पलों में हमारा पैनल भी जुड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश के अंदर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। और ऐसे में यहां पर वकील जो कि यहां पर थे चिन्मय दास के, उनको भी उन पर जो हमला किया गया है और हमले के साथ साथ इतनी खराब स्थिति उनकी बताई जा रही है कि वो फिलहाल आईसीयू में है, नाजुक उनकी हालत बताई जा रही है। तो ये दर्शाता है कि स्थिति किस कदर खराब हो गई है, खास करके हिंदुओं की स्थिति की बात की जाए या क्रिश्चियनों की बात की जाए। तो ऐसे में ईसाई धर्म और हिंदू धर्म को या कहें कि अल्पसंख्यकों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। यह तख्ता पलट बहुत बड़ा साबित हुआ बांग्लादेश के अंदर और इस तख्ता पलट ने सारी छवि बांग्लादेश की भी खराब की, साथ के साथ वैश्विक स्तर पर भी यह स्थिति को खराब करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है। तो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार, अभी इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरा पैनल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका भी स्वागत करने वाले। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, बांग्लादेश के अंदर लगातार हो रहे अत्याचार ने सभी की जो है निगाह है वो अपनी तरफ खींच ली है।
आकर्षण का केंद्र एक तरफ से बन गया है, लेकिन ये आकर्षण नेगेटिव पर्सपेक्ट से बना है। नेगेटिव पर्सपेक्ट जब हम बात करते हैं तो सभी को पता है नेगेटिव पर्सपेक्ट होता क्या है। अब ऐसे में आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ ही चुका है, उनका भी रुख कर लेंगे। और ऐसे में आज हम इस पर खास डिबेट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे जरूरी हो जाता है, हर कोई इस पर चुप्पी साध रहा है। राजनेता कहे कि अब सीधा सीधा ऐसे मुद्दों पर बातचीत तो कर रहे हैं जो कि उनके लाभ के लिए सामने आए, लेकिन इस मुद्दे पर कहे कि हिंदुओं की धार्मिक मान्यता और हिंदुओं के पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से स्थिति बनी हुई उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा करने के लिए आज हम जुड़े हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरा पूरा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मेरे साथ साध्वी गीतांबा मां जुड़ चुकी है, हिंदू धर्म गुरु है। विष्णु विनोदम महाराज जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु है। मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्म गुरु है। अली आरिफ साहब प्रवक्ता है, मुस्लिम लीग के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे पूरा पैनल का मेरे साथ आज टीवी 100 के डिबेट में हम जुड़े हैं। बहुत बहुत समय आपने दिया है और चलिए आप डिबेट की शुरुआत करेंगे। देखिए पूरा पैनल इस बीच रेडी है और सबसे पहला सवाल इस बीच मेरा रहेगा साध्वी गीतांबा मां से। देखिए साध्वी जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस बीच देश के अंदर अगर चुनाव की बात हो तो हर एक नेता उस पर अपनी 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 जो है बयानबाजी देने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन अब जब सवाल उठ रहा है कि विदेश के अंदर कहे बांग्लादेश की, तो हालांकि हम बात करके पड़ोसी मुल्कों में से एक है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति की बात की जाए, आप पहले तो मैं आपका विचार जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के लिए जो जो हो रहा है उस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे। पहली बात तो बांग्लादेश में हमें लगता है कि मानव है ही नहीं है, दानव ही है। कारण क्या, जो अपने प्रधानमंत्री का इतना अपमान किया हो, उनका अंदर गार्मेंट्स लेकर के टीवी पर उछाल उछाल के दिखाया गया, वहां मानवता तो है ही नहीं है। और मानवता की उम्मीद भी ऐसे देश से नहीं किया जा सकता है। अपने ही प्रधानमंत्री काला कर दिया और अपने ही प्रधानमंत्री को एकदम से लोगों ने कैद कर लिया और वही प्रधानमंत्री आकर के भारत में शरण ली। अब रही बात मानवता सिखाने की, तो ये हम कहां तक लगता है कि हमारे भारत को इसमें आगे आना चाहिए। कारण क्या है कि मानवता के नाते, जाति के नाते नहीं लेकिन मानवता के नाते सामने आना चाहिए और जितना हो सके उनका समर्थन करना चाहिए। नहीं तो फिर युद्ध, एक हमें लगता है यही एक ऑप्शन है, इनके साथ युद्ध करना चाहिए। और इनके यहाँ जितना क्रूरता है उस क्रूरता को इनको धूल चटाना चाहिए और धूल चटाने का यही है कि इनसे युद्ध करना चाहिए। कारण क्या, मानवता के नाते, ये नहीं कि ये दूसरे देश के हैं हम दूसरे देश के नहीं, यहाँ मानवता चित्कार कर रही है और कोई बोल नहीं रहा है। तो हम तो भारत से अपील करेंगे कि नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस पर सक्रिय हो, हमारे विदेश मंत्री सक्रिय हो और इस पर हम जहां तक समझते हैं कि इनको धूल चटाने की जरूरत है। कारण क्या कि इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है और इन्होंने पूरा दिखा दिया। आपने एक प्रधानमंत्री, वो भी एक स्त्री के लिए, जो जो क्रूरता इन लोगों ने किया है, तो ये हिंदुओं के साथ कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका इनको बस खाली ये है कि इनको युद्ध में जितना हो सके इनको परास्त करके और बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाहिए। विष्णु विनोदम महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर रुख करेंगे। विष्णु विनोदम जी, अभी बांग्लादेश की स्थिति की अगर हम बात करें कि जहां अभी हालिया दिनों में तख्ता पलट हुआ हो, शासन पूरी तरह से प्रभावित हुआ हो, वहां पर अल्पसंख्यकों की बात की जाए, खास करके हिंदू धर्म की बात की जाए, तो बड़ा बुरा हाल वहां पर देखने को मिल रहा है। हर दिन ऐसी स्थिति बनी हुई है वहां पर लोगों की कि वहां कहना भी शर्मसार हो जाता है कि वहां एक ऐसा राज है जो कि लोगों के लिए यहां पर बहुत दुष्प्रभाव और यहां पर बहुत ज्यादा परेशानी जो है उसका सबब बन गया है। सबसे पहले विष्णु विनोदम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से स्थिति अल्पसंख्यकों की बनी हुई है और चाहे वो हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो, इस पर आवाज देश की तरफ से कब उठेगी? क्योंकि अभी तक चुनिंदा लोगों ने ही आवाज उठाई है, अभी तक देश में बड़ी आवाज क्यों नहीं उठ रही इस पूरे विषय पर? बिल्कुल, हमने पहले तो दुर्भाग्य की बात और ऐसे एक लंबे समय से हिंदुओं के साथ इस देश में भी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज करती आ रही है। देखिए वर्ल्ड में आप देखेंगे मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं। जी विष्णु विनोद, हिंदू रहते हैं जी, और इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के तीन टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया कि सेपरेशन रहे, अपनी अपनी जगह पर सभी अपने अपने ईमान और धर्म के साथ जीवन को जिए, अपनी सभ्यता अपने धर्म को आगे बढ़ाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि कुछ लोग
हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान में चले गए कुछ हिंदुस्तान में रह गए। तो मेरा ये मानना है कि एक तो सभी हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में लाया जाए और कोशिश यही हो पाकिस्तान या बांग्लादेश भी जाए। हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो हिंदुओं के लिए है, हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ रही है और एक राष्ट्र पूरे विश्व में कम से कम हिंदुओं का तो होना चाहिए, इतनी इतनी तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ, वरना वही होगा कि एक भी गांव जैसे महाभारत में नहीं दिया गया तो इस प्रकार इस वक्त भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में महाभारत का एक कहीं ना कहीं देखेंगे आप दिख रहा है कि युद्ध चारों तरफ होते चले जा रहे हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से एक देश तो हिंदुओं का भी होना चाहिए। हिंदुओं बड़ा दयनीय हुआ पड़ा है और इसके साथ एक निरंतर अत्याचार बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। मौलाना साहब, मेरा अब एक छोटी सी चीज सामने आती है कि जब देश के अंदर बातचीत होती है, देश के अंदर धर्म अधर्म की लड़ाई छिड़ती है, तब हर एक को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन जब हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की हम बात करते हैं और ऐसे में वहां पर स्थिति खराब होती है तो चिंता जाहिर सी बात है कि हर एक ये जताता है कि वहां पर स्थिति खराब हो रही है। और हमने देखा इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई भी हुई, वहां पर ऑल आईज ऑन हमास को लेकर भी बड़े हैशटैग चले। अब मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति अल्पसंख्यकों की बनी हुई है, हिंदुओं की बनी हुई है, क्रिश्चियनों की बनी हुई है, उस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही? अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि ऑल आईज ऑन अल्पसंख्यक और इस तरह के हैशटैग क्यों नहीं चल रहे? अब वहां पर निगाह कब रखी जाएगी, कब इस पूरे विषय को उठाया जाएगा, कब जागरूकता लोगों के अंदर आएगी कि बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है खासकर अल्पसंख्यकों के साथ? कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जितना इज्जत दी है और जितना सपोर्ट किया है बांग्लादेश को, मैं समझता हूँ किसी भी कंट्री को उतना सपोर्ट नहीं किया है। तो इसमें तो पहले हमारी सरकार जो है सामने आए और हमारा मुल्क जो है उन वो हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको या तो मतलब है कि उनकी सलामती की जो है हुकूमत से मांग कर डिमांड करें या उनको यहाँ पे मौका दे कि अपने भारत में आए। जैसे अभिनी ने कहा कि हिंदू देश होना चाहिए है, मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के हिंदुओं को जो है भारत के अंदर बुलाया जाए और उनको अमन और सलामती और भाईचारे के साथ रखा जाए, मगर निकालने की बात ना की जाए कि मुसलमान वहां चले जाए। मुसलमान भी इसी देश का एक अंग है, एक हिस्सा है और हिंदुस्तान को आजाद करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो भारत में आए तो सक सकते हैं, जहां से चाहे आ जाए हिंदुस्तान में, भारत में हम लोग इसका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, मगर भारत की हुकूमत को चाहिए है कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और सब तरीके से करे, जब ये काम हो सकता है, क्योंकि ये सब दहशतगर्द मुल्क है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या चाहे इसराइल हो, चाहे वो ये सब जो है दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवादी लोग हैं, ये हमेशा जुल्म ज़ाती करते हैं, बेगुनाहों को मारना, कत्ल करना, उनको बर्बाद करना, ये रुकना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है हम तमाम मुसलमान इसकी तब तरीके से मजम्मत करते हैं और अपनी हुकूमत से, सरकार से डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर वहां पर वह हुकूमत से बात करके उनको जो है जो हिफाजत की जाए उनकी, उनको रखा जाए, उनके साथ कोई दुश्मनी ना होनी जाए। कोई मुसलमान इस पर राजी नहीं है कि बांग्लादेश के मुसलमान जो है वहाँ की हुकूमत जो है फजूल करे, कोई भी राजी नहीं है, ये गलत काम हो रहा है वहाँ के बांग्लादेश के अंदर। और हम तमाम उनके हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं पर भी हिंदू हैं या वो मुसलमान हों या कोई भी धर्म के लोग हों, अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो हम उनको उसकी मजम्मत करते हैं, हम इंसानियत के नाते हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन लोगों को उनके हम साथ में हैं। भारत सरकार को चाहिए इसके अंदर हस्तक्षेप करे और यहाँ से जो है वजीर आजम भेजा जाए वहाँ के ऊपर, वहाँ पे मतलब वहाँ के वजीर आजम से बातचीत की जाए, जब ये मसले का हल हो। ये बढ़िया मैसेज आपने दिया है टी100 के माध्यम से मौलाना साहब। और इस बीच अली आरिफ साहब से भी मैं रुक करना चाहूंगा। अली आरिफ साहब, बांग्लादेश के अंदर स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि वहां हर दिन स्थिति खराब होती जा रही है और ऐसे में अभी देखा जाए तो जिस तरह से वो धर्मगुरु है अरेस्ट उनको किया गया था, सुनवाई होनी थी लेकिन उनके वकील को इस तरह से चोटिल किया गया कि वो फिलहाल आईसीयू में है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि एक तो चोरी सीना जोरी और अब देखिए इस तरह से चीजें हो रही है वहां पर
कि आप एक तो गुनाह भी ना करें, आपके ऊपर चीजें खराब हो, आप कुछ बोलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसके ऊपर अगर आवाज आप उठाते हैं तो आपको मारने की भी कोशिश की जाएगी। वहां पर यही हुआ। वकील साहब अभी फिलहाल आईसीयू में हैं। अब अली आरिफ साहब, सवाल आपसे रहेगा कि स्थिति वहां खराब होती जा रही है, एक अपील अभी मौलाना साहब ने तो की, लेकिन सवाल यह है कि देश के अंदर से जो एक व्यापक आवाज उठनी चाहिए कि मानवता शर्मसार हो रही है, मानवता को शर्मसार करने वाले बांग्लादेशी अभी चुप बैठे हैं, लेकिन जो वो प्रहार करते हैं वो एक निंदनीय कांड है, और उसको हर एक मंच पर, हर एक जगह जाकर उसका वर्णन होना चाहिए, उसको लेकर सवाल जवाब होने चाहिए, उस पर आवाज कब उठेगी अली आरिफ साहब? अली आरिफ साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है अली आरिफ साहब? चलिए अली आरिफ साहब, मैं फिर रुक करूंगा आपका। साध्वी जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। साध्वी गीतांबा जी मेरे साथ जुड़ी है। साध्वी जी, देखिए अभी हमने देखा बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, और जब तख्ता पलट हुआ तो हमने देखा कि लोग उनके सदनों तक घुस गए, उनके घरों में घुस गए, ये बड़े बड़े राजनेताओं की मैं बात कर रहा हूं, और हमने देखा वहां क्या कुछ स्थिति बनी, लोगों ने उनके पर्सनल चीजों को भी यूज किया, और ऐसे में किसने श्रेय दिया वहां की प्रधानमंत्री को? भारत ने श्रेय दिया। और ऐसे में भारतीय लोगों की हम बात करते हैं, भारतीय मूल की जो हम बात करते हैं, और वहां हिंदुओं की हम बात करते हैं, तो उनके साथ अत्याचार होता है। एक तो हम उन्हीं को श्रेय दे रहे हैं, उन्हीं के लिए इतनी मदद कर रहे हैं, हम मानवता का इतना बड़ा हाथ बढ़ाते आगे कि वहां कुछ भी हो जाता है तो बांग्लादेश से आता है सीधा आदमी, भारत के अंदर अपनी जगह ले लेता, पनाह ले लेता, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ही हमारे लोगों को इस तरह की चीजें यहां पर की जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप अपने लिए तो गुहार कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, और मानवता यहां सामने आ जाती है, लेकिन जब बात भारतीय मूल के लोगों की जाए, चाहे वो अल्पसंख्यकों में हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तब ये चीजें सामने नहीं आती, तब उनको जो है परेशान किया जाता है। साध्वी जी, और ये हमारे भारत की राजनीति जो है ये बहुत गंदी है, यहाँ पर हमारे राजनीतिज्ञों को बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए। कारण क्या है कि बोले ही नहीं, जैसे भी हो सके उनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। जिस तरह से एक महिला की सुरक्षा उन्होंने किया, हमारे भारत ने किया, जिस तरह से वहां के प्रधानमंत्री को उन्होंने एक सम्मान के साथ यहाँ पर जगह दिया, कहीं कोई मुसलमान उनके खिलाफ नहीं गया, कहीं कोई हिंदू उनके खिलाफ नहीं गया, उसी तरह से हमारे हिंदुओं की वहां रक्षा होनी चाहिए। कारण क्या है कि जब तक हमारे प्रधानमंत्री आगे नहीं आएंगे, जब तक हमारे विदेश मंत्री आगे नहीं आएंगे, जब तक हमारे सैनिक आगे नहीं आएंगे, तब तक ये शांत होने वाले नहीं है। कारण क्या है कि इनके रग रग में गंदगी भरी हुई है। कारण जो एक महिला के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ संसद भवन से लेकर के प्रधानमंत्री भवन तक आक्रमण कर सकता है, वो वहां के हिंदुओं को कहां सुरक्षित छोड़ेगा, वहां की बहू बेटियों को कहां सुरक्षित छोड़ेगा? तो मानवता चिपका गई है, और यहां जरूरत है। राजनीति की बात की साध्वी जी आपने, तो देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री ने इस पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा हम हर सुनिश्चित काम करेंगे, हम हर वो स्टेप उठाएंगे जिससे कि वहां के, यहां पर भारत के जो मूल निवासी है उनकी वहां पर जो है संरक्षण, जो है पूरी सुरक्षा जो है देखी जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसी राजनीतिक क्रम में ऐसे दिग्गज नेता क्यों नहीं बोलते जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, या फिर हर एक सवाल में फिर वो घेरते हैं? असदुद्दीन ओवैसी इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव इस पर नहीं बोल रहे, राहुल गांधी इस पर नहीं बोल रहे हैं, बोल कौन रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं, और अभी मायावती जी ने भी बोला, और हमने सुना कि इस बीच तमाम राज्यों से जब आवाज उठी तो वहां पर हम हर एक की आवाज सुनते हुए ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए, लेकिन ये बड़े दिग्गज नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि हर एक हिंदू जब सवाल खड़ा होता है तो आकर मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो कि अब हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ हो रही, इस पर उनकी कोई आवाज, कोई टिप्पणी सामने नहीं आ रही। जो वहां के लोग कर रहे वही ब्लड ओवैसी साहब के अंदर है, तो जो ब्लड है तो ब्लड ब्लड की तरह खींचता है, उनका ब्लड वही है। रही बात अखिलेश यादव की, तो वो अपने राजनीति को सुरक्षित कर रहे हैं, मुसलमानों के बहुत को सुरक्षित कर रहे हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे। रही बात राहुल गांधी की, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो ऐसी जो बोल रहे हैं वो उनका ब्लड बोल रहा है, वो थोड़ी बोल रहे हैं, ये उनका ब्लड बोल रहा है, उनका जो ब्लड जैसा रहा है वैसा बोलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है वो ओवैसी साहब नहीं पढ़े हैं, वो कभी भी नहीं पढ़े हैं। अगर यहाँ पर जो वहाँ की प्रधानमंत्री आई हुई है, अगर वो हिंदू रहती तो ये भी खिलाफत करते ओवैसी साहब, लेकिन वो मुसलमान है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तो ब्लड बुला रहा है उनको, उनका ब्लड जो है वो विदेशी बातों को करता है, तो विदेशों के समर्थन करेंगे वो, उनसे तो उम्मीद हम कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव इनसे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। राजीव गांधी से भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा।
रही बात हमारे यहाँ जो मायावती जी हैं, ये महिला होने के नाते और कुछ न कुछ राजनीति का रंग इनके अंदर है, इन्होंने भाई मानवता के नाते गुहार किया है और उनका सम्मान भी होना चाहिए। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो जो उन्होंने कहा है उसमें अब देर कर रहे हैं, देर नहीं होनी चाहिए, बहुत देर हो रहा है। इसमें जो भी उनको डिसीजन लेना है तुरंत ले, कारण क्या है कि जब वहां के आधे लोग मर जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आधी बहन बेटियां लूट जाएंगी तो कोई मतलब नहीं है, तो इनको जल्दी से आगे आना चाहिए। जी साहब, जवाब ले लेंगे आप मौलाना साहब से, मौलाना साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। मौलाना साहब, अभी आपने सुना साध्वी जी ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का वोट बैंक है, वो वोट बैंक नहीं बिगाड़ेंगे, वो सामने नहीं आएंगे क्योंकि उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा अगर वो इस मुद्दे पर बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि लड़ाई तो मानवता की है, वोट बैंक की तो है ही नहीं, लेकिन वो अभी अपना वोट बैंक साधते हुए नजर आ रहे, ना कि मानवता को साधते हुए, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है मैं बता दूं आपको, मुसलमान बांग्लादेश में हो रहे हैं अत्याचार के फेवर में नहीं है, गलत हो रहा है वहाँ पर, और अगर वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, उनको वोट मिलना भी नहीं मुसलमानों का। देखिए, इंसानियत के लिए बोलना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो मतलब कोई भी लीडर हो भारत के अंदर, इंसानियत ये कहती है कि अगर वहाँ पे हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो हर नेता को, हर लीडर को बोलना चाहिए है। मैं तो कहता हूँ कि सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं इस जुल्म के खिलाफ हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश एक अत्याचारी मुल्क था, मुल्क है, वहां पे आतंकवादी पाले जाते हैं। चाहे पाकिस्तान ने कहा आपसे कि वहां पे इंसानियत है ही नहीं, अभी देखिए पाकिस्तान ने हमारी शिया कम्युनिटी के तकरीबन 200 लोगों को जो है कत्ल कर दिया, बेगुनाह कत्ल किया, कोई गलती नहीं थी, या ऐसे दहशतगर्द है, हिंदुओं का कत्ल नहीं हो रहा है, हमारे शिया कम्युनिटी के लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कत्ल किए जा रहे हैं, जब भी नहीं बोला जा रहा है, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। भाई इंसानियत तो ये कहती है अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है, चाहे हिंदुओं पर हो या शियों कम्युनिटी पर हो, बोलना चाहिए ताकि जुल्म रोका जाए। और देखिए दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा मदद जो की है वो भारत वोट बैंक सुरक्षित है, आप बोलिए आगे आइए, सब लोग बोलना चाहिए, जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए, जहाँ अत्याचार हो रहा है चाहे वो हिंदुओं पर हो या चाहे वो सिखों पर हो, ईसाइयों पर हो, कहीं पर भी हो रहा हो, हम इसके मजम्मत करते हैं। और क्योंकि हिंदू कौम जो है मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, ये लड़ने झगड़ने की कौम नहीं, कई लड़ाई झगड़े हमने सुना ही नहीं, सुनते ही नहीं है, ये तो पार्टियां हैं, सियासत है जो लड़वाती है। बाकी हिंदू जो है हमारे मुल्क का भी बहुत शांत है, कभी हिंदुस्तान में भी इस तरह के हमने नहीं देखा है, जिस तरह से बवाल जो वहां पर कत्ल वारत की जा रही हिंदुओं की, क्योंकि हिंदू लोग झगड़ा कभी किया ही नहीं है बांग्लादेश के अंदर, चाइना ने ना पाकिस्तान ने झगड़ा कभी किया है, ये क्योंकि कम लोग हैं इसलिए ये दहशतगर्द आतंकवादी जो हैं बेगुनाह हिंदुओं पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से कि आप इसके अंदर हस्तक्षेप करें और वहां के हिंदुओं की हिफाजत के लिए आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार में आप हैं, ना अखिलेश यादव है, ना मतलब राहुल गांधी है और ना वो ऐसी है, ये तो कभी बोलते ही नहीं है, और ना बोलने की वजह से आज मुसलमान इनको वोट देता भी नहीं है, ये खाली आप कहते हैं कि मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये कभी ना आ भी नहीं पाएंगे। मौलाना साहब आप जवाब हम ले रहे हैं, अली आरिफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। अली आरिफ साहब, आपने सुना है मौलाना अली हुसैन कुमी साहब ने क्या कुछ कहा, आपके सत्ता के इस पूरे बयान से, उनके बयान से सहमत है? अली आरिफ साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही? चलिए अली आरिफ साहब फिर आपका रुख करेंगे। इस बीच विष्णु विरोधम महाराज जी, अभी आपने सुना मौलाना साहब ने अपील की है कि हुकूमत से, उन्होंने अपील की है कि इस तरह की चीजों पर बोलना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कहीं पर भी इस तरह की चीज, और उन्होंने एक, 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 एक सोशल मैसेज भी दिया कि हमने देखा है कि हिंदू कौम वहां लड़ाई झगड़े नहीं करती है, बांग्लादेश की बात की जा रही है तो ऐसी चीजें नहीं करती है, फिर भी इस तरह की चीजें होती है, तो वो अपील कर रहे हैं कि शांति सौहार्द बनाए रखा जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे विष्णु विनोदम महाराज जी, ये स्थिति कैसे ठीक होगी, क्या कराना जाना चाहिए, किस तरह से स्थिति को काबू में लाया जाए? काबू में मुझे नहीं लगता कि आएगी, ये स्थितियां और बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं जैसे जी आएंगे जी यहोवा आने वाले हैं, और मुस्लिमों को बताया गया कि दज्जाल आने वाला है, ठीक है, और ये वही समय चल रहा है कि जहां तक कहीं ना कहीं जब तक एक एक्सट्रीम लेवल तक अत्याचार नहीं बढ़ेगा तब तक
एक लंबे समय से हिंदुओं को चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब उस परमात्मा को इस धरती पर आना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं वही मामले को संभाल पाएंगे, वरना एक लंबे समय से हम लोग राजनीति से देख रहे हैं और जिसमें हिंदुओं के साथ पूरे विश्व में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और एक भी देश ऐसा नहीं है कि जो हिंदू कह सके, खासतौर हिंदुस्तान में भी हिंदू अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में नहीं सेकुलर के रूप में देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हिंदुओं के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर अगर सरकार कोई काम तो कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको और ज्यादा तेज तरीके से काम किया जाएगा तो मुझे ऐसा नहीं। तो विष्णु विनोदन जी, गुरु जी, क्या अभी भगवान के आपने जिक्र किया कि भगवान को अवतार लेना होगा, पृथ्वी पर आना पड़ेगा, मेरा सवाल यह है कि क्या इंसानों से यह काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मानवता की बात होती है तो मानवता मनुष्य से होती है, भगवान आकर इसमें अगर इंटरफेयर आप चाहते हैं तो पहले तो इंसान कुछ करे ना। देखिए भगवान भी कहते हैं कि तू कुछ करे तो मैं आ गया हूं, अब इंसान ही कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी स्थिति खराब है, स्थिति ठीक हो जाएगी, ये हो रहा है, सिर्फ बयान दे रहे, कर कुछ नहीं रहे, तो भगवान ऐसे में क्या कर लेंगे जब खुद इस वक्त इंसान कुछ नहीं कर रहा है, मनुष्य कुछ करता ही नजर नहीं आ रहा है। उस रावण से कहीं ना कहीं की सामंजस्य से बैठे और युद्ध ना हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं रात दिन कोशिश कर रहा है, रो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब मानव का काम नहीं, अगर मानव का काम होता तो एक लंबे समय से हो चुका होगा और कोई युग पुरुष चाहिए। और इसमें मोदी और योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और जल्दी ही हिंदुओं का वर्चस्व पूरे विश्व में आपको मिलेगा। न्यू वर्ल्ड के ऊपर भी ये काम चल रहा है, तो न्यू वर्ल्ड के जो टर्म्स हैं वो भी यही कहते हैं कि वन वर्ल्ड होना चाहिए, तो इससे काम पूरा विश्व कर रहा है, यूएन से काम कर रहा है, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बड़े सामने नजर आएंगे, दिखाई देंगे। और ये जो राजनीति बांग्लादेश या पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है विष्णु विनोद महाराज जी, आपने अपना पक्ष रखा। सवाल मैं लेना चाहूंगा मौलाना साहब से, मौलाना साहब एक सवाल। चलिए मौलाना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी मैं रुक करना चाहूंगा। साध्वी जी एक सवाल मेरा रहेगा, देश के अंदर स्थिति खराब होती है, हम सवाल जवाब कटघरे जो है वो लगा देते हैं, सरकार को घेरना शुरू कर देते हैं और धर्म अधर्म की लड़ाई वहां शुरू हो जाती है। और इस बीच जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, यहां पर धर्म अधर्म की लड़ाई कहां चली जाती है, यहां पर सवालों का कटघरा कहां चला जाता है, यहां पर लोग सामने क्यों नहीं आते, यहां पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते और यहां पर भूख हड़ताल अनशन प्रदर्शन ये क्यों नहीं हो रहे, यहां पर तो सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे कि जी उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके बाद वो इंसान नजर ही नहीं आता है। तो ऐसे कैसे इंसाफ मिलेगा उन लोगों को, क्या क्या कोशिश कैसे की जा रही, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ बड़ा एक्शन किसी की तरफ से लिया हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए राजनीति में जो आगे आना चाहेंगे आना चाहिए, लेकिन जो वैसी साहब है उनसे हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। और हमारे अखिलेश जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, ये बोलेंगे नहीं। अब बचता है हमारा संत समाज और एक हिंदू समाज। हिंदू समाज इतना पस्त है अपने ही नेचर से कि अगर पस्त नहीं रहता तो मार क्यों खाता, ये बस खाओ और सो निज धामारण में कौन तुम्हारो काम, ये खा करके सोने वाले हैं, एक मरा रहा है मराने तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर ये नेचर रहेगा कि एक मरा रहा है मराने तो हम तो अंदर पड़े हुए हैं, तब तक ये इसी में भारत भी गुलाम हुआ कि एक राज्य लूटा जा रहा था, दूसरा चुपचाप देख रहा था।
तो ये हिंदुओं के आदिकाल से ये जो बैठने का वो है कि नहीं अगले के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो नहीं रहा है, तो एक दिन मेरे साथ भी यही होगा। जिस तरह से फैल रहे हैं फैलेंगे और एक दिन मेरे साथ भी यही होगा। तो हम लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें हम लोगों को बोलना चाहिए। अगर हमारा संगठन सड़कों पर उतरता है तब तो ये थोड़ा सा सक्रिय होंगे नेता लोग भी, और नहीं तो बस ऐसे ही बयानबाजी होता रहेगा और हम लोग टीवी पर बोलते रहेंगे। अब इसमें रह गया बच्चिया, हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे हिंदू जनमानस को आगे आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी साथ दे ही रहे हैं। अगर हम लोग सड़कों पर आएंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, अन्यथा बयानबाजी तक ही रह जाएगा। मौलाना साहब मेरी आवाज आप तक किस बीच पहुंचने वाली है? मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे यहां पर रहेगा, अब एक बड़ा ऐलान किया गया है, बड़े ऐलान के तहत एक संगठन ने और उन्होंने यहां पर क्या कि व्यापार बंद का ऐलान किया कि एक दिन के लिए उन्होंने व्यापार बंद किया है बांग्लादेश के साथ, जिसके अंदर खाने की जरूरी सामानों पर उन्होंने बैन लगाया है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर इस तरह की स्थिति वो करेंगे तो खाने को मिलेगा नहीं, तो पता लग जाएगा कि क्या होता है मानवता, किस तरह से चीजें सामने आती है। मेरा सवाल आपसे यह है, व्यापार बंद एक उन्होंने एक फेस शुरू किया है, क्या लगता है कि इस छोटी सी गलती की वजह से जो उन्होंने यहां पर की, हालांकि इसको वो छोटी कह रहे हैं लेकिन मानवता की स्टेज पर ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा इसका परिणाम जो है वो देखने को हर एक को मिला है जब भी इस तरह की चीजें सामने आई है। मेरा सवाल ये है कि व्यापार बंद से केवल हिंदुओं को परेशानी नहीं, तमाम वर्गों को वहां परेशानी होगी। ऐसे में अब क्या लगता है, व्यापार बंद जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो एक पड़ताल, जो एक हड़ताल यहां पर शुरू की गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बांग्लादेश के उन लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या उनकी आंखें खुलेंगी? ऐसा है कि ये तो बचकाना कदम होगा, क्योंकि बांग्लादेश को हिंदुस्तान थोड़ी लेता है, बाकी भी तो और भी को बहुत सी कंट्रीज का सपोर्ट कर रही हैं, बहुत से मुल्क को सामान देते हैं। अगर बांग्ला हिंदुस्तान नहीं भी देगा तो मैं समझता हूँ इस पर तो कोई असर इतना नहीं पड़ने वाला है, मगर ये करना नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। देखिए खाना पीना रहना सहना ये जो है हर एक के लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी लोग हो, परेशान होंगे वो लोग। मैं तो सब कदम उठाए आप, उनसे खत्म कर दिया है, जैसे आपने अफगानिस्तान से खत्म कर दिया, जैसे बहुत से मुल्कों से आपने खत्म कर दिए हैं, वैसे आप बांग्लादेश से रब्ते ही खत्म कर दें, बेहतर तो क्या रहेगा ना कि आप खाली एक चीज खत्म करेंगे, उससे लोग ही तो मरेंगे, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान, जो भी भूखा मरेगा मर जाएगा, इंसानी तो मरेगा ना, तो इंसानियत के खिलाफ है। बाकी जहां तक और बातें हैं उस पर आप लोग बहस करें, हुकूमत जाए अपने मौलाना साहब मानवता को तो वो मान ही नहीं रहे, वो मानवता को मान ही नहीं रहे, वो तो धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो तो धर्म अधर्म कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक है इन पर अत्याचार करो, और अब अगर उन्हीं अल्पसंख्यकों ने एक फैसला लिया है कि वहां पर खाने की चीज उनको नहीं मिलेगी, तो ऐसे में आपको परहेज क्या है कि होने दे बंद हो जाने दे, तो पता चलेगा मानवता को कैसे परेशान किया जाता। सब कुछ बंद कर देना, हम सब करें तो बंद करें, सब बंद कर दें। धर्म और इस्लाम और मजहब ये नहीं बताता है किसी भी कम्युनिटी पर जुल्म ज़ाती की जाए, किसी भी कम्युनिटी पर इस्लाम धर्म नहीं बताता है कि उन पर जुल्म किया जाए, अत्याचार किया जाए। अगर बंद करना है तो हम तो इसके आदमी हैं, हिंदुस्तान पानी की चीज वक्ती तौर पर ना हमेशा के लिए बंद कर दे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ ना बंद करें। और दूसरी बात यह है सरकार है इतना मजबूत वजीर आजम है कि जो दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया में जाते हैं उनकी तारीफें होती हैं, हर जगह मदद करते हैं सहायता करते हैं। देखिए हमारे जो हिंदुस्तान के मसाइल उनको छोड़ दीजिए, मगर देखा यही गया है कि हर मुल्क तारीफ कर रहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, और मतलब के गृह मंत्री रक्षा मंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम छोटा सा मुल्क हमारा छोटा सा बांग्लादेश है, इसके लिए आप जो है उनकी सहायता करें, जो आप परेशान है मुश्किलात में है उनकी मदद। सवाल आपसे मौलाना साहब, सवाल सुनेंगे मौलाना साहब एक बार, सवाल ये है कि मदद किसकी की जाती है? मदद की जाती है जरूरतमंद की, लेकिन अत्याचारियों की क्या मदद करनी? वो तो एक स्थिति जब इस कदर हो जाती है कि इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानने लगता है तब इस तरह का अत्याचार करता है, कमजोर आदमी कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। तो अच्छा खासा कहे के वो एक इतना देसी कहावत है कि झिका हुआ आदमी ही इस तरह की चीजें कर सकता है, ऊंची हरकतें कर सकता है, तो इस वक्त लगता है कि पेट भरा हुआ है उनका, थोड़ा सा भूख लगेगी तो पता चलेगा मानवता क्या होती है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम वहाँ के जो हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है
वो हमारी सरकार भारत सरकार उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, ना कि हम आतंकवादियों की मदद की बात कर रहे हैं। भारत जो बांग्लादेश है वो आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादी लोग हैं, अफगानिस्तान आतंकवादी है, इसराइल आतंकवादी लोग हैं, इनकी मदद कभी ना की जाए। अगर आप मदद करेंगे तो और जुल्म करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की मैं सब मजम्मत करता हूँ कि इनकी कभी कोई कंट्री मदद ना करे। मगर एक जहां तक कि वहाँ हिंदू बेचारे भूखे मर रहे हैं या उनका जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार का फर्ज बनता है कि वहां पर जाके उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें और उनको रास्ता दें कि वो भारत के अंदर आए। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसी बात नहीं। अगर कुछ आना चाहता है उनके रास्ते खोले जाओ लोगों के लिए, खासतौर से लोगों के लिए। जब अपने ही लोगों का गला दबोचा जा रहा हो तब क्या करें? नहीं यार, जो अपने लोगों का कर रहे हैं तो उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई कहाँ हो रही है मौलाना साहब? हाँ तो नहीं हो रही है, तो हुकूमत की गलती है ना, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। तो उन्होंने फैसला लिया ना खाना ना देने का? नहीं, अच्छी बात है। खाना तो कौन नहीं देगा खाना? टमाटर टमाटर देना बंद कर दिया है, प्याज देना बंद कर दिया, आलू देना बंद कर दिया है। अरे आप ये सोचिए कि एक देश होता है, मुल्क होता है, कंट्री होती है, उसमें तमाम मुल्क जो है जुड़े हुए होते हैं। अगर इधर से नहीं आएगा तो आतंकवादी लोग उसको खाना पानी देंगे, बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश को अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश को और जो साध्वी जी इसका जवाब देंगे, साध्वी जी इसका जवाब देंगे जी। पाकिस्तान तो खुद ही खाने बगैर मजा करेगा, उसके पास तो खुद खाने को नहीं है, वो कैसा करेगा? अरे हाँ, ये एक चीज कर सकता है, एक दूसरे का खून पी सकता है बस, और कुछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बांग्लादेश का खून पिएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान का लड़वाने के लिए करेगा, जुल्म करने के लिए करेगा। वो जहाँ पे जुल्म होगा उसको समा देगा। जब पाकिस्तान हो सकता है होगा, उनके लिए भी बोलना चाहिए सारी दुनिया को, टमाटर की ना प्याज की ना गेहूँ की ना आटा की किसी चीज की सहायता नहीं करेंगे। बारूद की सहायता वो कर सकते हैं बस, इसके सिवा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, आप अभी आप पढ़ते नहीं क्या? आप पेपर नहीं देखते, न्यूज नहीं देखते क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या है पाकिस्तान में? खाने बगैर सब मर रहे हैं और पाकिस्तान सहायता करेगा? अच्छा बोले आप, अपनी थाली का खाना कौन देने जाएगा भाई? नहीं तो ये हम लोग भाई हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका ये अमल जो है वो अगर हिंदुओं की मदद करना है, सहायता करना है बांग्लादेश में, तो करना चाहिए। मानवता की बात है, इनका जुल्म हो रहा है। आप उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान से, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश की रक्षा करेगा, भोजन देने का, कहाँ से रक्षा? क्या है उसके पास? बारूद खाने देगा और कुछ नहीं देगा। मौलाना साहब, मौलाना साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम। पाकिस्तान चैरिटी करेगा लेकिन घर की तो पहले रक्षा करे, घर पे तो खाने को नहीं है, बाहर कहाँ देगा। चलिए, विष्णु विनोदम जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। विष्णु विनोदम जी, गुरु जी सवाल रहेगा लगातार, अभी आपने सुना मौलाना साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान देगा, अफगानिस्तान देगा, खाने को तो कोई ना कोई देगा, और मानवता की उन्होंने बात की। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक तरफ तो हिंदुओं को उनका खाना छीना जा रहा है, उनका जीवन छीना जा रहा है, उनकी सांसें छीनी जा रही है, दूसरी तरफ मौलाना साहब कहते हैं उनको खाना तो दिया जाना चाहिए, वहां पर और भी वर्ग रहते हैं। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो वो लोग उनके खून से होली खेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मानवता इस कदर रखनी चाहिए कि आप चाहे हमारी जान ले लीजिए, हम आपसे सिर्फ हाथ ही जोड़ेंगे। विष्णु विनोदम जी, अपना टीवी चैनल पे बैठे बड़ी अच्छी बात है। जो लोग ग्राउंड लेवल पे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके दिल से डाल रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं और उनको खाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को दखल अंदाजी करके अंतर्राष्ट्रीय कहीं ना कहीं मदद भी लेनी चाहिए, यूएन की भी मदद लेनी चाहिए और मार्शल लॉ लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी लगना चाहिए और बांग्लादेश में भी लगना चाहिए। जैसा कि अभी सैयद साहब ने भी बताया कि ये सब आतंकवादी मुल्क हैं और मार्शल लॉ लगा करके जो भी आतंकवादी हैं उनको सुपर इंसाइड का ऑर्डर देना चाहिए। मेरे हिसाब से सीधी बात करना ठीक है। ठीक ठीक है, मौलाना साहब कुछ कहना चाहेंगे जी? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं चाह रहा हूँ, गलत समझा, मेरा मतलब कहने का ये था
अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी कहीं का भी हो, उसका पेट भरने का हमारा हमारे भारत ने हमेशा उनका पेट भरा है। आप देखिए हमारे देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क के अंदर खराबी पैदा करना चाहते हैं, और उसके बाद भी हमारा देश कुछ नहीं करता, क्योंकि इंसानियत बड़ा धर्म है, इंसानियत बड़ा मतलब है। तो हमारे भारत के अंदर इतने लोग समाये में है, कोई ना भूखा मरता है, ना कोई परेशान है, ना किसी का मुश्किल होती है, तो देश देश से बात करे, उनसे बात करें, हमारी बात की क्या वैल्यू है। हमने आपसे पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा दुनिया में दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसराइल है, जो दुनिया दुनिया भर के लोगों को परेशान किए हुए, कितना बेगुना लोग मारे जा रहे हैं। हमारे हमारे शिया कम्युनिटी के हजारों लोगों को जो है कत्ल कर दिया बेगुना, पाकिस्तान ने आज तक कत्ल, अभी चार दिन पहले कत्ल किया गया 200 शियों को, शिया कम्युनिटी के बेगुना थे, कोई भी सहारा नहीं था, बच्चों को मार डाला। तो कम से कम आप इसमें भी तो बोले, जो लोग बैठते हैं नहीं बैठते हैं, कम से कम पाकिस्तान में जो अत्याचार शियों पर हो रहा है, शिया कम्युनिटी में हो रहा है, तो अंदर भी बोलना चाहिए। तो हम हिंदुओं के लिए बोलते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, हम जानते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं हिंदू में, हम रहते हैं हिंदुओं में, हिंदू से अच्छी फॉर्म दुनिया में कोई नहीं है, जो हम परस्त है। तो ऐसे ही जो है हिंदुओं को भी चाहिए कि अगर शियों पर जुल्म हो तो शिया के लिए भी आप बोले, चाहे पाकिस्तान में जुल्म हो या कहीं पर भी जुल्म हो, मेरा मतलब कहने का भाई इतना है। क्या कहेंगे जवाब में? अरे हम तो जहां तक जानते हैं इनको बस खाली युद्ध ही समझ में आएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। इनके साथ युद्ध करें और जितना हिंदू हैं किनके साथ सुरक्षित करें, किनके साथ युद्ध करें साध्वी जी, किनके साथ? बांग्लादेश के साथ, ना वहां का प्रशासन बोल रहा है, ना वहां के सैनिक बोल रहे हैं, ना वहां का कोई भी व्यक्ति हिंदुओं के पक्ष में बोल ही नहीं रहा है। तो यहाँ तो सीधे युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके जितनी जल्दी हो सके मुसलमानों को कत्लेआम कर दे। कारण क्या कि जिस तरह से ये वहाँ हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, अरे अपने जब बेगम को नहीं छोड़े, अपने वो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़े, तो ये हम लोगों को क्या छोड़ेंगे और वहाँ के हिंदुओं को क्या छोड़ेंगे? यहाँ युद्ध की ही जरूरत है, युद्ध करके जितनी जल्दी हो सके वहाँ के हिंदुओं को अमन चैन मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए समय की जी साध्वी जी, अब समय की कमी है, साध्वी जी अब समय की कमी है, एक एक आखिरी कमेंट, एक एक आखिरी कमेंट लेंगे साध्वी जी। मैं चाहता हूं अब आप आखिरी आखिरी कमेंट चंद शब्दों में इसको खत्म करेंगे। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को किस तरह से रोका जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां मानव अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, राइट्स टू वर्शिप, राइट्स टू स्टे, इसका कैसे यहां पर इसका संरक्षण कैसे किया जाए, चंद शब्दों में खत्म करें साध्वी जी। यहाँ पर हम हमारा एक ही फंडा है, हम तो एक बात जानते हैं कि ये बात से नहीं मानेंगे, ये लाभ के भूत है, बात से मानने वाले नहीं है। दूसरी बात है कि घर घर लंका जन जन रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं, वहाँ घर घर लंका है, जन जन रावण है। तो वहाँ बस एक ही चीज है कि वहाँ पर जितना जल्दी हो सके युद्ध छेड़ना चाहिए। बांग्लादेश जब तक युद्ध नहीं सहेगा तब तक ये इंसान नहीं बनेगा। मौलाना साहब आखिरी कमेंट, मौलाना साहब आखिरी कमेंट। जी जी जी, देखिए हम हमारी स्थिति जो है भारत की युद्ध की कहीं नहीं रही है, कभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ है और युद्ध जो है इसका रास्ता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वहाँ की हुकूमत को सख्त करें और वहाँ पर अत्याचार न हो हिंदुओं पर, उनके आमने से जान की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत ले, सरकार ले। युद्ध से कोई फायदा होता नहीं, सभी धर्म के लोग मरते हैं, कहीं कभी युद्ध होता भी देखिए आप लेबनान में, फिलिस्तीन में, गजा में, इसराइल और ने जो हमला किया, कितने लोग गुना लोग मारे गए, युद्ध का मसला नहीं है। वहाँ पर हुकूमत को सख्त करें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत को सख्त करें और हिंदुओं की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ली जाए, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए, उनके उनको सुकून रहने दिया जाए, ये बात करना चाहिए भारत की सरकार को। ठीक है विष्णु विनोदम जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, कैसे उन लोगों को यहाँ पर सुरक्षित किया जाए, कैसे अल्पसंख्यकों की वहाँ पर जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाए? देखिए अभी तक यूरोप की तरफ अल्पसंख्यक जी, विष्णुवर्धन जी चंद शब्दों में इसको खत्म कर देंगे। जी मेरे हिसाब से ये युद्ध रुकेगा नहीं और ये आगे बढ़ेगा, इसकी आग पूरे देश से लेकर के विश्व में जाएगी और ये तीसरा विश्व युद्ध है और ये होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, ना कोई सरकार रोक सकती, ना कोई इंसान रोक सकता। ठीक है, फिलहाल आपने कीमती समय हमारे साथ साझा किया साध्वी गीतांबा मां जी, विष्णु विनोदम महाराज जी, मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब, अली आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारा हमारे साथ हमारा समय आपने साझा किया और इसी के साथ आपने हमारे साथ अपने पर्सनल
जो है सुझाव भी दिए और किस तरह से इस चीज को आलम में ले आ जाए। फिलहाल तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर क्या कुछ आगे जवाब दिया जाता है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होती, किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है अल्पसंख्यकों के हकों को, राइट्स को। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम धर्म अधर्म में इतना ही, कल फिर लौटेंगे इसी वक्त एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे TV100। धन्यवाद।